सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। नमस्कार, मैं राणा यशवंत द फ्रंट पर आपका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपनी सियासी जमीन मजबूत करने और 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन को बेहतर करने की तैयारी में जुट गई है। अब प्लान ये है कि प्रियंका गांधी, जो अभी तक पूर्वी उत्तर प्रदेश की महासचिव हैं, यानी कि बतौर महासचिव पूर्वी उत्तर प्रदेश का जिम्मा संभाले हुए हैं, उनके हाथ में समूचा उत्तर प्रदेश सौंप दिया जाए। यानी 2022 के चुनाव की रणनीति और उस चुनाव का चेहरा प्रियंका गांधी हों, यह बात कमोबेश अब तय हो चुकी है। घोषणा किसी भी वक्त किसी भी दिन हो सकती है। प्रियंका गांधी पिछले कई महीनों से उत्तर प्रदेश के नेताओं और कार्यकर्ताओं से लगातार मिल रही हैं, रणनीति तैयार कर रही हैं, अलग अलग इलाकों में जो जाति समीकरण हैं उसको ठीक से समझ रही हैं और कहा यह जा रहा है कि वो रोज़ाना लगभग 11 घंटे काम करती हैं और अब तक 11,000 कार्यकर्ताओं नेताओं से मिल चुकी हैं। प्लानिंग इस बात की है कि 2022 की जो टीम तैयार की जाए वो युवा टीम हो और उसमें हर तबके की सही नुमाइंदगी हो। यानी कि जो प्रदेश अध्यक्ष का पद राज बब्बर के पास अभी है वो पद भी किसी और को दिया जाएगा। वैसे 2-3 नाम चल रहे हैं और अजीब सा संयोग है कि टीम तो ये कहा जा रहा है कि 40 के नीचे की होनी चाहिए, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जो 2-3 नाम चल रहे हैं ये सब पुराने और दिग्गज नेताओं के नाम हैं। मसलन प्रतापगढ़ से प्रमोद तिवारी या देवरिया से ओम प्रकाश सिंह, जो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर आप देखते हैं, तो इस तरह के नेताओं का नाम चलता है। लेकिन बहुत हद तक यह भी मुमकिन है कि कोई नया चेहरा आपके सामने आ जाए जिस पर प्रियंका गांधी को भरोसा हो। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि इस बार जो प्रदेश की कमेटी होगी वो भारी भरकम नहीं होगी, छोटी होगी, चुस्त होगी, जिसकी औसत उम्र 40 साल के आसपास की होगी और इसमें एससी एसटी ओबीसी अगड़े और महिलाओं इन सब की बराबर की नुमाइंदगी या फिर राज्य में आबादी जिसकी जितनी है उस लिहाज से उसका प्रतिनिधित्व होगा। प्रियंका गांधी को कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 2022 का चेहरा इसलिए बनाना चाहती है कि वो अब अपना आखिरी दांव उत्तर प्रदेश में खेलना चाहती है। अगर आपको केंद्र में सत्ता चाहिए तो इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश में आपकी ज़मीन मजबूत होनी चाहिए। कांग्रेस का दिक्कत ये रही कि 1990 के दशक के बाद से आज तक पिछले 30 साल में कांग्रेस की जो सियासी ज़मीन रही है उसका रकबा लगातार छोटा होता चला गया। जो पिछला 2017 का चुनाव था सिर्फ 7 विधानसभा सीटें कांग्रेस के हिस्से में आई थीं और 6.25% के आसपास उसके वोट थे। अब ये हालत है उस पार्टी की जो राष्ट्रीय पार्टी है और जो कभी अपना परचम उत्तर प्रदेश में लहराए रहती थी। ऐसे में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने आप को दोबारा मजबूत करे और वही पुरानी ताकत हासिल करे प्रियंका गांधी को त्रुप के तौर पे आजमाना चाहती है। अब उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए कितना मजबूत है, प्रियंका गांधी के सामने चुनौती कितनी बड़ी होगी, यह थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जो 2019 का लोकसभा चुनाव था, इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास लगभग 49% वोट थे। अगर मैं अपना दल को जोड़ दूं तो 50% से ज़्यादा वोट बीजेपी के पास थे। यह दीगर बात है कि उसके पास सीटों की संख्या 2014 के मुकाबले कम है, 62 सीटें बीजेपी के पास, 2 सीटें अपना दल के पास, 64 पिछली बार, 71 सीटें बीजेपी के पास, 2 सीटें अपना दल के पास, 73, लेकिन वोट परसेंटेज बहुत ज़्यादा। 12 वो राज्य जिनमें 2019 में बीजेपी को 50 से ज़्यादा परसेंटेज मिला वोट का, उसमें से उत्तर प्रदेश भी एक है। इतनी मजबूत है, 2017 के जो विधानसभा चुनाव थे उसमें भी बहुत मजबूती से बीजेपी उभरी थी, या यूँ कहिए कि 2014 के लोकसभा चुनाव की पुनरावृत्ति हुई थी विधानसभा चुनाव में 2017 में, और 325 सीटें बीजेपी ने जीती थी। आज उसकी एक बड़े बहुमत वाली सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है और मोदी जैसा एक चेहरा है जिसकी तूती आज भी बोलती है, जिसका ब्रांड वैल्यू आज भी है उत्तर प्रदेश में, इसलिए क्योंकि वो बनारस से लड़ते हैं चुनाव और बनारस उत्तर प्रदेश को वो अपना प्रदेश मानते हैं, अपना इलाका मानते हैं, और ये फैक्टर उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ जोड़ा है जो काम का साबित हो रहा है। तो मोदी के इस इमेज के साथ लड़ना होगा, मोदी फैक्टर से लड़ना होगा, बीजेपी का जो अपना संगठन है उसकी जो मजबूती है उससे लड़ना होगा,
और समाजवादी पार्टी बीएसपी, इन दोनों ने 2017 के चुनाव बल्कि 2019 के लोकसभा चुनाव साथ साथ लड़े, वोट परसेंटेज दोनों का गिरा, साथ लड़ने का नुकसान समाजवादी पार्टी को हुआ, बीएसपी को भले ही फायदा हो गया, लेकिन अब आगे दोनों साथ नहीं लड़ेंगे, मायावती बहुत साफ कर चुकी हैं, यानी कि दोनों अलग अलग लड़ेंगे, तो वोट का बंटवारा होगा तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी, यह तीनों जिस तरीके के वोट के लिए लड़ेंगे वो एक कॉमन वोट बैंक है जिसमें तीनों की सेंधमारी या फिर हिस्सेदारी होगी। बीजेपी अपने वोट बैंक को लगातार एक तरफा और मजबूत करती जा रही है और उत्तर प्रदेश में इसलिए बीजेपी सोनिया गांधी के लिए, माफ़ कीजिएगा, प्रियंका गांधी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और प्रियंका गांधी के सामने यह राह आसान नहीं है। वैसे बहुत जल्दी ही कांग्रेस प्रियंका के नाम का ऐलान करने वाली है 2022 के अभियान को लेकर के समूचे उत्तर प्रदेश में, जिस महासचिव के कंधों पर पूरे उत्तर प्रदेश का जिम्मा डाला जाने वाला है वो प्रियंका गांधी होंगी। प्रियंका गांधी अपनी मर्जी से वहां का अध्यक्ष चुनेंगी और प्रियंका गांधी अपनी मर्जी से प्रदेश कांग्रेस कमेटी को चुनेंगी और फिर वो तैयारी करेंगी 2022 की लड़ाई की और लगातार वो अपने आप को उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर दिखाने और लोगों के बीच में बने रहने की कोशिश करेंगी। तो ये प्रियंका गांधी, उत्तर प्रदेश और कांग्रेस। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।